पोटेंशियल एनर्जी, जैसा कि हमने देखा था, पोटेंशियल एनर्जी किसी पोजीशन में चेंज होने की वजह से प्रोड्यूस होती है। तो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्मूला हम लोग बनाते हैं। पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले कौन कौन से होते हैं, तो अभी हम लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हम पढ़ चुके हैं और इसके बाद आता है पोटेंशियल एनर्जी। तो जैसे कि हम देख चुके थे कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू चेंज इन पोजीशन। तो किसी भी ऑब्जेक्ट के पोजीशन में जो चेंज होता है उसकी वजह से जो उसमें एनर्जी आती है, उस एनर्जी को हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। सो पोजीशन में चेंज होता है, तो पोजीशन में चेंज हो सकता है अर्थ के रेस्पेक्ट। तो मान लो कोई ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है यहाँ, और उसको हम ले गए यहाँ, कितनी हाइट पे, एच हाइट पे, स्मॉल एच, और वो ऑब्जेक्ट को ले गए यहाँ, कोई फोर्स लगाया हमने, ऐसा उठाया और ऊपर लगा ले गए। तो ये ग्राउंड, ये अर्थ है, अर्थ मान लो ये अर्थ के सरफेस पे रखा था पहले, तो ये अर्थ है और इसके सरफेस से हम एच हाइट पे उसको उठाते हैं, उठा के रख देते हैं। अब रख देते हैं तो ऑब्जेक्ट चल तो नहीं रहा फिलहाल लास्ट में, अगर चल नहीं रहा तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी तो है। तो फाइनली जब उसको वहां रख दिया है तो उसके पास कौन सी एनर्जी है रखे हुए ऑब्जेक्ट के पास, पोटेंशियल एनर्जी। तो ये पोटेंशियल एनर्जी को कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो हम देख रहे हैं स्टूडेंट के एनर्जी का यूनिट भी क्या है जूल, और वर्क का यूनिट भी क्या था जूल। तो दोनों का यूनिट सेम है, दोनों का यूनिट सेम है, तो इसका मतलब जो हम वर्क करते हैं वही किसमें कन्वर्ट होता है, एनर्जी। तो वर्क ही एनर्जी में कन्वर्ट होगा। तो हम अब जब हमने काइनेटिक एनर्जी की कैलकुलेट की तो हमने क्या कैलकुलेट किया था, वर्क। तो पोटेंशियल एनर्जी में भी हम क्या कैलकुलेट करते हैं, वर्क। तो वर्क का फॉर्मूला हम देख चुके हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे वर्क आ जाएगा। तो फोर्स होता है एम ए और डिस्प्लेसमेंट है एस। ए होता है एक्सेलरेशन। अब अर्थ के अगेंस्ट में ऊपर उसको उठा रहे हैं, अगेंस्ट द ग्रेविटेशन फोर्स। तो यहां पे जो एक्सेलरेशन लेंगे वो एक्सेलरेशन हम लेंगे, एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, जी। क्यों, क्योंकि उस पे कौन फोर्स लगा रहा है, ऊपर उठते वक्त ग्रेविटेशन फोर्स लगा रहा है, और ग्रेविटेशन की वजह से जो एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है जी। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट कितना किया है, डिस्प्लेसमेंट हुआ है एच, एच हाइट इसको ऊपर उठा दिया। तो ऑब्जेक्ट की फाइनल और इनिशियल पोजीशन में चेंजेस क्या है, डिस्प्लेसमेंट। इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ यहां पे एच। तो अगर ये दोनों वैल्यूज यहां पुट करेंगे तो डब्ल्यू का वैल्यू हो गया एम जी एच, ए की जगह क्या आ गया जी, और डिस्प्लेसमेंट की जगह क्या आ गया एच। और ये जो वर्क डन है, दिस वर्क डन इज कन्वर्टेड into potential energy। अच्छा स्टूडेंट, आगे से हम potential energy को short में लिखेंगे PE। तो kinetic energy को KE लिखा था, तो इसको भी क्या लिखेंगे, PE। तो potential energy का formula क्या आ गया finally, PE equals to mgh, और इसको क्या बोलेंगे, gravitation पोटेंशियल एनर्जी। सो ग्रेविटी के अगेंस्ट जो पोटेंशियल एनर्जी किसी ऑब्जेक्ट के पास आती है उसको बोलते हैं ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी। तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या बन गया, एम जी एच। तो अगर कैलकुलेशन करेंगे किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर उठाने में उसके पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है, तो उसके मास को, डिस्प्लेसमेंट एच को, हाइट को, और जी को मल्टीप्लाई करते हैं, जी का वैल्यू फिक्स रहता है अर्थ पे 9.8। तो इस तरह से हम पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं एक और पोटेंशियल एनर्जी होती है, उस पोटेंशियल एनर्जी को भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। और ये पोटेंशियल एनर्जी होती है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। तो हमने पहले बात की थी कि स्प्रिंग की पोजीशन पे चेंजेस होते हैं तो उसमें एक पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। तो मान लो कोई स्प्रिंग है और वो इस तरह से यहाँ रखा है, यहाँ से हमने इसको फिक्स कर दिया और एक ब्लॉक लगा देते हैं इसके पास और इस ब्लॉक को पुश करते हैं फोर्स। तो मान लो कि ये स्प्रिंग
कंप्रेस हो गया और ये कंप्रेस होके ये स्प्रिंग हो गया है इस तरह से। पहले ये यहां तक था, अब ये यहां तक। तो मान लो ये जो चेंज है इसकी पोजीशन में, सपोज x, हमने एक फोर्स लगाया फोर्स f और इसकी पोजीशन भी चेंज हो गया। सपोज जो पोजीशन में चेंज है वो x है, x पोजीशन में इसको खींचने से जो अगर मान लो ये x बढ़ जाता है तो भी उसको बोलेंगे चेंज इन द पोजीशन इज x, और अगर इसको कंप्रेस करते हैं तो भी इसको x ही बोलेंगे। तो इसके लिए पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला हम बनाते हैं हाफ kx स्क्वायर। सो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग इज हाफ kx स्क्वायर। यहां पे k क्या है, स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट, और x क्या है, x इज डिस्प्लेसमेंट इन स्प्रिंग। स्प्रिंग में जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो x। तो इस तरह से हम ये वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। एग्जांपल्स लेते हैं इसके पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी के एग्जांपल के लिए सबसे पहले हम एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज अ पर्सन लिफ्ट अ ब्लॉक ऑफ मास 5 kg up to height 10 meter. Calculate potential energy of block. So अगर ये block को कोई person, ब्लॉक का मास है 5 केजी और एक पर्सन उस ब्लॉक को उठाता है और उठा के 10 मीटर हाइट पे रख देता है, तो उस ब्लॉक के पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी आएगी। तो इसका सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। सो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh। पोटेंशियल एनर्जी के लिए यहां पे m हम लेंगे 5 केजी, 5 जी का वैल्यू, जी का वैल्यू अर्थ के लिए 9.8 है। अगर क्वेश्चन में ये गिवन हो के 10 लेना है तो 10 भी ले सकते हैं, और ये एक्सेलरेशन है इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो कई बार क्वेश्चन में दे देते हैं 9.8 को अप्रोक्सीमेट करके 10 ले, तो 10 ले सकते हैं, अदरवाइज इसका जो एक्यूरेट वैल्यू होता है वो 9.8 होता है। तो जब तक क्वेश्चन में दिया नहीं होगा हम 9.8 ही लेंगे। तो 9.8 * h कितना डिस्प्लेसमेंट, कितने हेड तक उसको उठाना है 10, तो ये वैल्यू आ जाता है 490 एनर्जी है। तो ये हो गया जूल। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी इसमें आ गई है 490 जूल। एक इस क्वेश्चन पे भी एग्जांपल, इस फॉर्मूले पे भी एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल 2। इसमें एग्जांपल लेते हैं, इफ ए कार moving with velocity 20 meter per second of mass 1000 kg, एक 1000 kg मास की कार है और 20 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो स्ट्राइक टू स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट 50 newton upon meter, then
कैलकुलेट, तो हमें कैलकुलेट करना है कंप्रेशन इन द स्प्रिंग, तो हमें स्प्रिंग में कितना कंप्रेशन होगा ये कैलकुलेट करना है। ये क्वेश्चन में क्या हो रहा है, इस क्वेश्चन में इस तरह का कुछ है कि एक स्प्रिंग लगा हुआ है और वो स्प्रिंग में इस तरह से एक स्प्रिंग है और एक कार है और एक कार आके इस स्प्रिंग को हिट करती है। एक कार आती है और एक कार आके इस स्प्रिंग को हिट करती है ऐसा, और ये स्प्रिंग उससे कंप्रेस हो जाता है, तो ये स्प्रिंग कितना कंप्रेस होगा ये हमें कैलकुलेट करना है। ये कंप्रेशन हो जाएगा स्प्रिंग में, तो स्प्रिंग का जो फाइनल पोजीशन है वो कैसा हो जाएगा इस तरह से। तो ये जो कंप्रेशन है एक्स, ये कंप्रेशन हमें कैलकुलेट करना है कितना एक कार इसको कंप्रेस करेगी। तो यहाँ पे क्या क्या चीजें गिवन है पहले उनको नोट कर लेते हैं कि हमें क्या क्या चीजें क्वेश्चन में गिवन है। तो जो जो चीजें गिवन है पहले उनको नोट करेंगे, उनको लिखेंगे और फिर उनको नोट करने के बाद ये सोचेंगे कि कौन सा फॉर्मूला हमें लगाना है। देखिए कोई भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए फिक्स पैटर्न है कि सबसे पहले आप उसका जब भी सॉल्यूशन कर रहे हैं तो जो जो चीजें आपको गिवन है उनको लिख लें गिवन दैट। तो यहाँ देखते हैं क्वेश्चन को रीड करते हैं और जो जो चीजें यहाँ गिवन है उनको लिखते हैं। कार मूविंग विद वेलोसिटी, कार की वेलोसिटी गिवन है v, कितनी है 20 मीटर पर सेकंड। और क्या गिवन है, और मास ऑफ द कार, कार का मास गिवन है 1000 kg और हमें दिया हुआ है स्ट्राइक टू स्प्रिंग, स्प्रिंग को आगे हिट करती है और स्प्रिंग कांस्टेंट दिया हुआ है k। स्प्रिंग कांस्टेंट को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे k से, तो स्प्रिंग कांस्टेंट का वैल्यू कितना है 50 न्यूटन अपॉन मीटर। अच्छा एक चीज यहाँ पे ये देखते हैं कि ये स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता है, तो स्प्रिंग कांस्टेंट स्प्रिंग की फिजिकल कंडीशन को बताता है कि स्प्रिंग हार्ड है या सॉफ्ट है। तो आप देखते हैं स्प्रिंग